Please don't feel embarrassed if at any point of time you are not feeling well and you are not able to continue in the class after some time or you are not able to continue with studies at home. बिल्कुल भी एम्बेरेस होने की जरूरत नहीं है सर. मैं बता दूं आपको क्या मैंने पहले बोला है आपको कि इन दिस प्रिपरेशन आफ्टर सम टाइम हेल्थ डिटोरेट्स. मैक्सिमम लोगों की हेल्थ गिरती है जरूर, फिजिकल भी मेंटल भी. तो ये बात तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट. इसको हल्के में लेने की गलती मत करना. कॉन्शियस का मतलब ये है कि यू शुड बी नोइंग दैट दिस विल अफेक्ट माई हेल्थ एडवर्सली एंड दिस विल अफेक्ट माई हेल्थ इन अ पॉजिटिव वे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि अब जो लोग बाहर रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, यू स्टेइंग इन पीजी फॉर एग्जाम्पल, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बॉयज हो गर्ल्स हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. जब लोग झुंड में होते हैं तो दिमाग में शैतान आता है. तो वेन यू आर इन अ ग्रुप, you know there is a motivation to do something which otherwise you would not have done, like for example drinking daily, drinking regularly, alcohol, कुछ drugs में भी जाते हैं. कोई यहाँ पे एक चीज मैंने बहुत commonly देखी, sleeping pills की आदत पड़ जाती है बहुत लोगों को. अब उन्हें क्या लगता है कि after studying so much, देखिए what I am saying is as important as studies itself, कभी कभी ज्यादा भी important हो जाता है उससे. Please stay away from these things if you really want to do well in life. I am not talking about UPSC. अगर जिंदगी का असली मजा लेना है, इनसे थोड़ा सा दूरी बना के चलो. यहाँ पर इसकी बहुत टेंडेंसी हो जाती है स्लीपिंग पिल की. देयर आर ओवर द काउंटर नाउअडेज, पीपल गो टू द केमिस्ट शॉप एंड दे आस्क फॉर सम मेडिसिन, और कई जगह पे दे भी देते हैं आराम से. ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यू नो वंस यू आर हैबिचुअल ऑफ इट, साइकोलॉजिकली यू बिकम डिपेंडेंट अपॉन इट. ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट, बट येस इफ देयर इज अ मेडिकल कंडीशन एंड डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड देन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट. और हेल्थ अगर खराब हो ही गई है तो फिर उसमें गिल्ट भी डेवलप मत करो, रिलैक्स करो. सोचो कि भगवान ने मौका दिया, छुट्टी दे. मेरा अपने हिसाब भी यही हुआ था. फॉर ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स कंटिन्यूअसली आई वाज टेकिंग क्लासेस एंड देन द सिस्टम कोलैप्स्ड. फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स आई कुड नॉट यू नो वॉक प्रॉपरली. क्लास लेना तो बहुत दूर की बात है, मैं चल भी नहीं पा रहा था. फिर मुझे लगा ये भगवान का एक सिग्नल है कि बेटा रेस्ट कर थोड़ा सा. तो आपके साथ भी ये, इफ यू लूज हेल्थ समवेयर समटाइम, फील दैट दिस इज द सिग्नल गिवन बाय गॉड that your body and mind require some rest. और उस समय जब आपकी हेल्थ खराब है तो सर पूरा लो रेस्ट, और रेस्ट के टाइम पे देयर शुड नॉट बी एनी गिल्ट, देयर शुड नॉट बी एनी टेंशन. बिना टेंशन, बिना गिल्ट और बिना मोबाइल फोन के रेस्ट करो. ज्यादा है तो हाथ में कोई किताब ले ली, थोड़े पेजेस पलट लिए, बस. डोंट बी एक्सेसिव इन गिल्ट. मेरी हेल्थ खराब है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं. जितना गिल्ट डेवलप करोगे हेल्थ उतनी गिरेगी. तो लिफ्ट योर स्पिरिट्स. मैं बोलता हूं आपको देयर कैन बी 1000 रीजंस which will put you down, but then find out 1 or 2 reasons which will lift your spirits back. वो 1 या 2 रीजन पकड़ो सर, वो इंपॉर्टेंट है.